नमस्कार साथियों, हंसवाहिनी जीके क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं रणवीर सिंह राठौर और आप सभी लोगों का हंसवाहिनी के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो, हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है किसान आंदोलन। और उसी किसान आंदोलन को हम शुरू कर चुके हैं। सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं बिजौलिया किसान आंदोलन के बारे में। बिजौलिया किसान आंदोलन को अब तक हमने पढ़ा, जहां एक व्यक्ति की इंटरव्यू जिसका नाम था विजय सिंह पथिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, अब बिजौलिया जो किसान आंदोलन है उसको हम पढ़ेंगे, और उसको विजय सिंह पथिक के संदर्भ में ही हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। जब जब बिजौलिया किसान की बात की जाती है तो विजय सिंह पथिक का नाम आता ही आता है, ठीक है। तो साथ साथ में विजय सिंह पथिक को भी जानते हैं और साथ साथ में बिजौलिया किसान आंदोलन की भी चर्चा हम यहाँ पर करते हैं। जैसे कि कल हमने यानी बिजौलिया किसान आंदोलन की चर्चा की, उसका पूरा काल 44 वर्ष की चर्चा की, 1897 से लेकर के 1941 44 वर्ष भारत का सबसे लंबा व अहिंसक आंदोलन था। धाकड़ जाति के किसान यहाँ पर थे, और मैंने आप लोगों को आरंभ से बता दिया, कृष्ण सिंह से लेकर के वो 1894 में ठिकानेदार बनते हैं, 1897 में 84 प्रकार की लाग बाग लगा देते हैं। उसके विरोध में गंगाराम के घर पर क्या मीटिंग होती है, और किसान ये निर्णय लेते हैं, दो व्यक्ति को भेजते हैं, ठाकरी पटेल और नानजी पटेल को। कहाँ पर भेजते हैं, यानी मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के कृष्ण सिंह की शिकायत करने के लिए। वहाँ पर किसानों को मतलब कोई विशेष एक प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जाता, उनकी बात नहीं सुनी जाती, और उनको क्या कर दिया जाता है, वापस भेज दिया जाता है, उन्हें मेवाड़ से निष्कासित भी कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर और आगे की घटना होती है। 1903 में चौरी कर लगा दिया जाता है, किसान इसका विरोध करते हैं, अपनी कन्याओं का विवाह नहीं करते। कन्या के विवाह पर 5 रुपये का चौरी कर लगता था, उस समय 5 रुपये बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। इस वजह से किसानों ने 2 वर्ष तक लगातार अपनी कन्याओं का विवाह नहीं किया। 200 किसानों की है, ठीक है, किसान 200 अपनी पुत्रियों को लेकर के कहाँ आते हैं, यानी कृष्ण सिंह के सामने उपस्थित होते हैं। ये 1905 में उपस्थित होते हैं, ठीक है, है ना, कहते हैं कि हम इनका विवाह करेंगे ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में किसानों को अपमान का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर किसान क्या करते हैं, बिजौलिया छोड़ने की धमकी दे देते हैं, कृषि नहीं करने की धमकी देते हैं। इस कारण क्या होते हैं, यानी कृष्ण सिंह को क्या करना पड़ता है साथियों, झुकना पड़ता है, और 1905 में चौरी कर को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। 1906 की बात होती है, और वहां पर कृष्ण सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु, और नया ठिकानेदार बनता है जिसका नाम होता है साथियों क्या, पृथ्वी सिंह क्या कर देता है, यहाँ पर तलवार बंधाई एक नया शुल्क लगा देता है। फिर यहाँ पर विरोध होता है किसानों के द्वारा, फिर विरोध किया जाता है। 3 व्यक्ति मैंने आप लोगों को बताए थे, बी एस अब साथियों ब्रह्मदेव, और उसके बाद साधु सीताराम दास, उसके बाद फतेह करम चरण। इसी कहानी को हम और आगे बढ़ाते हैं साथियों, देखते हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था 1916 की घटना हम वहां पर कर रहे थे, 1914 की बात हमने बीच में की थी कि थोड़ी सी, है ना, वहां पर भी क्या हो जाता है, पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है, केसरी सिंह वहां पर क्या बन जाते हैं साथियों आगे, यानी नए ठिकानेदार नाबालिग और मुंशरिम बिठा दी जाती हैं। और फिर लास्ट में क्या होता है, 1916 की बात हम कर रहे थे, 1916 को यानी कि किसान पंच बोर्ड की स्थापना होती है, और किसान पंच बोर्ड की स्थापना के साथ ही यानी यहाँ पर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास एक व्यक्ति को आमंत्रित करते हैं जिसका नाम होता है विजय सिंह पथिक। अब अपन विजय सिंह पथिक से ही कहानी को आगे बढ़ाते हैं साथियों। हम बिजौलिया किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं, और उसी किसान आंदोलन के संदर्भ में हमें ये जानना बहुत जरूरी है, बिजौलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में हम एक व्यक्ति को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है विजय सिंह पथिक। बहुत जरूरी भी है, और साथ साथ में बिजौलिया किसान आंदोलन भी चलेगा। तो विजय सिंह पथिक की जब भी बात करेंगे साथियों, 1882 में इस व्यक्ति का जन्म हुआ। कब, 1882 में इसका जन्म हुआ। और साथियों अगर अपन इनकी मृत्यु की मैं यहाँ पर बता ही देता हूँ, 1954 ईस्वी में इनकी क्या हुई, मृत्यु हुई, विजय सिंह पथिक की, ठीक है। और इनका जो मूल नाम था, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आता है, वैसे सब जानते हो, मूल नाम था साथियों इनका भूप सिंह। क्या नाम था, भूप सिंह, और जाति से थे गुर्जर, तो ये भी आप लोग याद कर लेना, ठीक है, भूप सिंह गुर्जर। और ये कहां के थे साथियों, यूपी के बुलंदशहर के, ठीक है, बुलंदशहर यूपी,
यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले विजय सिंह पथिक की अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले अगर अपन क्रांतिकारी गतिविधियों से ही बात करेंगे, यहाँ पर दो व्यक्ति थे, एक तो साथियों रास बिहारी बोस और एक व्यक्ति था सचिंद्र सान्याल। ये दो भारत के महान क्रांतिकारी सचिंद्र सान्याल, इनके कहने पर क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े, क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े। क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े किनके कहने पर, यानी दो व्यक्ति जो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। उसके बाद क्या होता है साथियों, अगर इनकी अपन चर्चा करते हैं रास बिहारी घोष और सचिंद्र सान्याल के कहने पर इन्होंने किया, और यहां पर अगर अपन बात करें 1914 की तो यहां पर आप लोगों को विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की गई पथिक के द्वारा। बात हम पथिक की कर रहे हैं तो ये भी थोड़ा थोड़ा आप साथ साथ में करते जाएं, पथिक द्वारा विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना, प्रचारिणी सभा की स्थापना, विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। ओड़छी चित्तौड़गढ़ में यहां पर की गई है इसकी स्थापना, चित्तौड़गढ़ में, पूछा जा सकता है आप लोगों से तो यह भी ध्यान रख लेना, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, अब होता क्या है इसके बाद अगर अपन बात करेंगे 1915 की बात होती है, 1915 में बोस के कहने पर, बोस कौन है, रास बिहारी बोस है, सुभाष चंद्र बोस नहीं है ये, बोस के कहने पर दो व्यक्ति होते हैं, एक का नाम तो है साथियों गोपाल सिंह खर्रा, इंडियन हिस्ट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है ये। ठीक है, कहने पर ये क्या करते हैं, कहने पर गोपाल सिंह खरुआ के साथ राजस्थान में सशस्त्र क्रांति करने की इनकी क्या होती है साथियों, योजना, क्रांति की योजना होती है, ये योजना बनाते हैं, लेकिन इस योजना का भेद खुल जाता है तो फिर क्या कर लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके साथियों इन्हें कहां पर कैद कर लिया जाता है, टोटगढ़ में कैद कर लिया जाता है और टोटगढ़ कहां पर है, अजमेर में है, और ये यहां से क्या हो जाते हैं साथियों, फरार हो जाते हैं और फरार होकर के ये कहां आ जाते हैं, बाद में ये मेवाड़ आ जाते हैं, कहां पर साथियों, मेवाड़ आ जाते हैं, और मेवाड़ में आकर के ये अपने एक, ये क्या उस नाम से नहीं रहते, छद्म नाम धारण कर लेते हैं, और इस इनका जो छद्म नाम के रूप में ये मेवाड़ में रहने लगते हैं, और छद्म नाम क्या है साथियों, अभी जो हम पढ़ रहे हैं यही छद्म नाम है, इनका मूल नाम तो भूप सिंह गुर्जर है, तो ये विजय सिंह पथिक के नाम से यहां पर आंदोलन का नेतृत्व करेंगे, विजय सिंह पथिक आप लोग लिख लेना, विजय सिंह पथिक ये इनका छद्म नाम रख लेते हैं। ठीक है, और मेवाड़ आ जाते हैं, मेवाड़ में यहां पर है ना एक तरीके से अब ये यहां पर वापिस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले मैंने अभी तक 1914 और 1915 की बात बताई है, अब क्या होता है अगली कहानी यहां से आती है 1916। देखिए अभी हम पीछे ही चल रहे हैं लेकिन फिर भी है ना हम नजदीक पहुंच रहे हैं अपने उद्देश्य के। 1900 अगर अपन बात करें साथियों 16 की तो 1916 के अंदर इस विद्या प्रचारिणी का दूसरा सम्मेलन होता है। ठीक है, इस सम्मेलन के अंदर साथियों यहां पर एक व्यक्ति आता है, इस सम्मेलन के अंदर देखो विद्या प्रचारिणी का दूसरा सम्मेलन होता है, यहां पर पहले से कौन है, पथिक है, और यहां पर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है साधु सीताराम दास। ठीक है, ये साधु सीताराम दास इस साधु सीताराम दास को एक व्यक्ति होता है साथियों, अगर अपन चर्चा करें तो
मंगल सिंह मेहता नामक व्यक्ति होता है, वो मिलाता है किससे मिलाता है, मंगल सिंह मेहता, मंगल सिंह मेहता द्वारा साधु सीताराम दास को किससे मिलाया जाता है, पथिक से मिलाया जाता है, किससे, पथिक से मिलाया, और इसने इन्हें क्या कर दिया, इसने ना ये साधु सीताराम दास पहले बिजोलिया किसान आंदोलन से अभी भी जुड़े हुए थे, तो इन्होंने साधु सीताराम दास ने आमंत्रित किया किसको, पथिक को, तो ये पथिक जी क्या किए 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे। कहानी आप लोग पूरी समझ रहे हो, मैं एक मिनट में सारी कहानी को रिवाइज कर देता हूँ। देखिए बात क्या है, विजय सिंह पथिक को पढ़ रहे हैं, 1882 में जन्म, 1954 मूल नाम भूप सिंह गुर्जर, बुलंदशहर यूपी में, राजप्यारी बोस सचिंद्र सोनियाल के कहने पर क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े हुए। 1914 में पथिक द्वारा विद्या प्रचारिणी सभा की क्या की गई है, स्थापना की गई है चित्तौड़गढ़ में। 1915 में बोस के कहने पर गोपाल सिखर्रा के साथ राजस्थान में सशस्त्र क्रांति की योजना ये बनाते हैं और अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाते हैं टोटगढ़ अजमेर में, यहाँ से ये फरार हो जाते हैं और मेवाड़ में छदम नाम यानी अपना बदला हुआ नाम विजय सिंह पथिक के नाम से रहते हैं। और 1916 में विद्या प्रचारिणी का दूसरा सम्मेलन होता है, यहाँ पर साधु सीताराम दास भी आते हैं और यहाँ पर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम मैंने आपको बता दिया, मंगल सिंह मेहता। तो मंगल सिंह मेहता द्वारा पथिक से, मतलब पथिक को किससे मिलाया गया, साधु सीताराम दास से। तब ये साधु सीताराम दास क्या कर देते हैं, आमंत्रित करते हैं, किसे आमंत्रित करते हैं, किसे आमंत्रित करते हैं भाई, यानी कि पथिक को, किसके लिए, बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए। तो करते हैं अगली कहानी को शुरू, यहां तक कि आपको समझ में आ गई होगी, दो चीजें एक साथ चल रही है, विदेशी पथिक भी और साथ साथ में बिजोलिया किसान आंदोलन भी। आप सबसे पहले अपन लोग बात करेंगे कब, 1916 की, तो 1916 में आपको सीधी सी बात यही याद रखनी है, बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े पथिक, बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ गए हैं, पथिक की बात हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ चुके होंगे। अब होता क्या है, 1917 इसके कहने पर जुड़े, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। 1917 की अपन लोग कहानी शुरू करते हैं, ये फटाफट क्या करते हैं, काम करते हैं, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं, पंच बोर्ड की स्थापना, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की जाती है। तो पहला प्रश्न बहुत अच्छा सा बन गया, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना पथिक के द्वारा की गई है और 1917 में बिजोलिया में, और ऊपरमाल पंच बोर्ड के अंदर एक चीज का विलय भी होता है, विलय, और इसके विलय किसका होता है साथियों, किसान पंच बोर्ड का, ठीक 1916 में साधु सीताराम दास ने बनाई थी, तो आप लोग ये भी ध्यान रखना, किसान पंच बोर्ड का विलय, ठीक है, किसान पंच बोर्ड का इसमें हो जाता है, ऊपरमाल पंच बोर्ड में विलय, इसकी स्थापना अभी हमने कल चर्चा की थी। तो 1917 ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की जाती है किसके द्वारा, विजय सिंह पथिक के द्वारा। हरियाली अमावस्या होती है साथियों, आंदोलन शुरू कर दिया जाता है, हरियाली अमावस्या को आंदोलन शुरू बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाली अमावस्या के दिन आंदोलन शुरू होता है। और एक चीज मैं बता देता हूँ, ये ऊपरमाल पंच बोर्ड है ना, इसका जो पंच है, यानी कि अगर अपन सरपंच की बात करें या मुख्य पंच की बात करें, तो पंच ये बनाया जाता है मन्ना पटेल को, किसको, मन्ना पटेल को, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग साथ साथ में ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पर मैं दो इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, एक व्यक्ति आता है साथियों सवर्णकार, बार बार प्रश्न पूछा जाता है सवर्णकार, और सवर्णकार का नाम क्या है, भंवरलाल चक्षु, ये एक गीत गाते हैं, इसका नाम है मान मान मेवाड़ राणा, प्रजा पुकारे रे रूस जार रो पतो न लागे सुन राजा फतमल रे, इन्हें रूस के जार का भी पता नहीं लगा, प्रजा पुकार रही है मान मान मेवाड़ राणा, तो ये गीत गाया जाता है, ध्यान रखना किसके द्वारा, सवर्णकार भंवरलाल चक्षु के द्वारा, बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है, मान मान है ना मेवाड़ राणा थाने प्रजा पुकारे थे रूस जार रो पतो न लागो सुन राजा फतमल रे, ठीक। और एक यहाँ पर एक गीत और बता देता हूँ, पंछीड़ा
पंछिड़ा गीत है जो कि माणिक्यलाल वर्मा का है। माणिक्यलाल वर्मा का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना, पंछिड़ा गीत है ना, मर्दा और ए काली रे काली रे उनियाली दाता, ठीक है। तो पंछिड़ा है माणिक्यलाल वर्मा, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लेना। श्रृंगार की बात हमने यहाँ पर कर ली है और ये दो गीत साथ साथ में जोड़ लेना। तो उपरमाल पंचकोट की स्थापना के साथ ही ये एक तरीके से बिजोलिया किसान आंदोलन में पूरी तरह से जान फूंक देते हैं। विलय किसान पंचकोट का हो जाता है, हरियाली महोत्सव को आंदोलन शुरू होता है। पंच कौन बनता है, मन्ना पटेल। स्वर्णकार भवनलाल चक्षु, भवनलाल चक्षु के द्वारा यहाँ पर मान मान मेवाड़ राणा गीत गाया जाता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ, पथिक के द्वारा ही क्या किया जाता है साथियों, पथिक द्वारा देश भर में लोकप्रिय, देश भर में प्रसार, इसका बिजोलिया किसान आंदोलन का पथिक द्वारा देश भर में प्रसार किया जाता है। और ये प्रसार किसके माध्यम से, एक पत्रिका होती है जिसका नाम है प्रताप, और इस प्रताप पत्रिका का जो ये प्रताप पत्रिका किसकी थी, ये भी आप लोग साथ साथ में ध्यान रखना, गणेश शंकर विद्यार्थी, कानपुर से निकलती थी ये पत्रिका, गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी, और ये पत्रिका कहाँ से निकलती थी, कानपुर यूपी, ठीक है। इस पत्रिका के जरिए इस बिजोलिया किसान आंदोलन को पथिक ने पूरे भारतवर्ष में फैला दिया, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और वैसे यानी कि अपन लोग प्रयाग से अबुद्ध पत्रिका भी थी, और अगर अपन चर्चा कर ले तो भारत मित्र कोलकाता से निकलती थी, उसने भी फैलाया था, ठीक है। तो एक चीज साथ साथ में मैं ये तो आप लोगों को बता दिया, उपरमाल पंचकोट की स्थापना 1917। अब मैं थोड़ी सी से आगे की कहानी और बता देता हूँ, ठीक है। 1917 की बात अपन लोग कर रहे थे, तो 1916 और 17 बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ गए, जुड़ने के बाद इन्होंने ये कार्य किए। अब इसे आगे चलते हैं, पंछिड़ा गीत आप लोग याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और भवनलाल चक्षु का मान मान मेवाड़ राणा। अब इसके बाद जैसे ही अपन लोग आगे की कहानी अगर शुरू करें तो यहाँ पर हम कुछ और इम्पोर्टेंट बातें करते हैं। 1919 से यहाँ कहानी शुरू होगी, पथिक से जुड़ी हुई। यहाँ पर 1919 की चर्चा करते हैं साथियों। यहाँ पर क्या होता है, पथिक के द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, सेवा संघ बिजोलिया में नहीं होती है, ध्यान रखना, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, बहुत अच्छा प्रश्न है ये होता है वर्धा महाराष्ट्र में, वर्धा, और वर्धा कहां पर है, महाराष्ट्र में, वर्धा महाराष्ट्र में क्या किया जाता है, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की जाती है वर्धा महाराष्ट्र में। इस राजस्थान सेवा संघ से कई पत्रिकाएं निकाली जाती हैं, वो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। सबसे पहले राजस्थान केसरी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान केसरी, इसके स्थापना के साथ ही ये पत्रिका निकली थी, यानी कि 1919। और एक और ध्यान रख लेना, इस राजस्थान केसरी का कहते हैं ये तो बाद में थी, बाद में इसका मुख्यालय ये राजस्थान केसरी था, यानी राजस्थान केसरी, राजस्थान सेवा संघ स्थापना वर्धा महाराष्ट्र यहीं पर मुख्यालय था, लेकिन बाद में कहते हैं कि इसका मुख्यालय चेंज कर दिया गया, 1920 में कहां पर कर दिया गया, अजमेर में कर दिया गया। तो यहां पर है ना राजस्थान केसरी की जगह पत्रिका नवीन राजस्थान, और कहते हैं कि इस नवीन राजस्थान पर फिर क्या कर दी गई, रोक लगा दी गई, तो फिर आगे जो पत्रिका आई थी तरुण राजस्थान। तो तीन पत्रिकाएं ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों किसके है ना, तीनों राजस्थान सेवा संघ के द्वारा क्या की जाती थी, जारी की जाती थी पत्रिकाओं का संपादन, समाचार पत्र मान लो इनका संपादन किया जाता था। तो राजस्थान सेवा संघ स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में ये तीन पत्रिकाओं के माध्यम से, यानी ये अपने एजेंडे को क्या करते थे, प्रचार करते थे। तो 1919 तक की कहानी यहाँ पर समझ में आ गई। अब मैं कुछ चीजें आप लोगों को यहाँ पर और बता देता हूँ, यानी इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए है ना, अगर अपन बात करें पथिक को गांधी जी ने पथिक को गांधी जी ने क्या कहा, राष्ट्रीय पथिक कहा, क्या कहा भाई, राष्ट्रीय पथिक की उपमा
उपमा दी और है ना मुंबई में बुलाया बात करने के लिए, मुंबई में बुलाया यानी ये चले गए कौन पथिक जी वहां पर मुंबई चले गए और वहां पर क्या किया यानी पथिक जी मुंबई चले जाने के बाद गांधी जी ने क्या किया किसान आंदोलन की जांच करने के लिए गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव देसाई को भेजा, बिजोलिया भेजा, थोड़ा सा देख जैसे लिख लेना बिजोलिया भेजा, तो ये यहाँ पर जांच करने के लिए आए थे। तो एक बात ये भी ध्यान रखना पथिक ने इसी आंदोलन के क्रम में 1929 के अंदर साथियों एक अधिवेशन होता है कांग्रेस का, है ना, कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस का अपन चर्चा करें तो कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन यहाँ पर पथिक जी इस अधिवेशन में भी शामिल होते हैं। पथिक शामिल आंदोलन का समर्थन के लिए पथिक इसमें क्या लेते हैं भाग लेते हैं, ठीक है, और भाग किसके लिए लेते हैं समर्थन के लिए, किसके लिए समर्थन के लिए भाग लेते हैं समर्थन। लेकिन क्या होता है एक तो यहाँ पर थे गांधी प्लस एक मदन मोहन मालवीय इनके द्वारा प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाता है अस्वीकार। और ये भी ध्यान रख लेना देखो ये जो गांधी जी है ना इस आंदोलन को नैतिक समर्थन देते हैं, गांधी जी कहते हैं भाई नीति के अनुसार आपका आंदोलन तो है लेकिन ये हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, मतलब न तो समर्थन दिया और न कुछ बिल्कुल छोड़ा, ये चीज सबसे घटिया होती है, या तो स्पष्ट कह दो कि नहीं समर्थन करने लायक नहीं है तो बीच की स्थिति बहुत बुरी होती है। वैसे अभी भी किसान आंदोलन चल रहा है इसमें कितना क्या दम है अलग अलग लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, तो देखिए इधर करते हैं अपन बात थोड़ी सी यहीं पर इतिहास की चल रही है अभी। तो विजय सिंह पथिक के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं 1929 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान केसरी 1919 और ये दोनों ध्यान रख लेना 1920 ठीक है। और इस राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय ये भी ध्यान रखना यानी कि 1920 में अजमेर स्थानांतरण हो जाता है अजमेर, तो ये भी अजमेर से ही है वो भी अजमेर से है, ठीक है ये भी ध्यान रखना दोनों ओके। उसके बाद पथिक गांधी जी ने राष्ट्रीय पथिक की उपमाधि मुंबई में बुलाया गया और निजी सचिव महादेव देसाई को यहाँ पर जांच करने के लिए भेजा। 1929 में कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ, पथिक भाग लेते हैं लेकिन यहाँ पर समर्थन गांधी जी और मालवीय नहीं देते हैं, प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं और गांधी जी क्या कहते हैं नैतिक समर्थन दे देते हैं, क्या देते हैं भैया नैतिक समर्थन, ठीक है मतलब पूर्व जवाब को नहीं दियो। तो ये बात होगी पूरी, अब मैं इसी कहानी को थोड़ा और आगे लिए चलता हूं, बात अभी 1900 की ही चल रही है 1919 बहुत इंपॉर्टेंट है बिजोलिया किसान आंदोलन से संदर्भित ये कहानी। और एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना इसी आंदोलन को तिलक का मतलब बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठा समाचार पत्र में समर्थन किया जाता है इस आंदोलन का, क्या किया जाता है समर्थन किया जाता है ये ध्यान रखना तिलक द्वारा मराठा। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था प्रयाग से एक अखबार निकलता है अभ्युदय, अगर आपको नहीं याद होता है तो ज्यादा मेहनत नहीं करना ठीक है, और कलकत्ता से भारत मित्र ठीक है ये भी इनको क्या करता है इस आंदोलन को खिलाते हैं और आगे ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मराठा ये ध्यान रखना तिलक इसे क्या करता है तिलक इसमें इसका समर्थन करता है किसान आंदोलन का कौन से का बिजोलिया किसान आंदोलन का। अब देखिए 1919 यहाँ पर क्या होता है एक सबसे महत्वपूर्ण घटना ये होती है एक सरकार के द्वारा एक आयोग गठन किया जाता है बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग ठीक है आयोग
ये बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का क्या किया जाता है, गठन। ये आयोग किसके लिए, बिजोलिया किसान के जांच हेतु, जांच हेतु बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन। और ये आयोग देखो बहुत सारे प्रश्न आजकल ऐसे आ जाते हैं, इसमें कितने सदस्य थे, 3 सदस्यीय ये आयोग था, 3 सदस्यीय। और 3 सदस्य कौन थे, एक तो खुद बिंदुलाल ही थे, बिंदुलाल, ठीक है। एक प्रश्न हमने एक पहले पढ़ा था, अमर सिंह राणावत जो मुंशी मिठाई गई थी, आपको पता होगा अमर सिंह राणावत और डूंगर सिंह भाटी, तो उसमें से ये व्यक्ति था अमर सिंह राणावत। और एक व्यक्ति है अफजल अली। ये 3 व्यक्ति इस आंदोलन के क्या थे, यानी सॉरी बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के क्या थे साथियों, ये 3 सदस्य थे। सॉरी साथियों, विद्युत व्यवधान की वजह से थोड़ा सा है ना व्यवधान आया। तो ये हम बात कर रहे थे बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की। तो ये लीजिए बिंदुलाल भट्टाचार्य, अमर सिंह राणावत, अफजल अली, ठीक है, इन तीनों के बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब ये बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग अपनी क्या करता है, सरकार को रिपोर्ट है ना, ये क्या करता है, सरकार को अपनी रिपोर्ट देता है, यानी सिफारिश करता है कि ये आंदोलन है ना ये सही है, लेकिन इसके आंदोलन है ना मतलब इस रिपोर्ट पर सरकार ने क्या नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, ठीक है, तो मामला फिर गड़बड़ हुआ, ठीक है। एक बात मैं आप लोगों को थोड़ी सी और बता देता हूँ, 1917 में जब ये आंदोलन शुरू हुआ था ना, उसके बाद एक बार पथिक को मेवाड़ प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी, ध्यान रखना मेवाड़ प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी, ठीक है, पथिक को मेवाड़ प्रवेश पर क्या लगा दी गई थी, रोक लगा दी गई थी। इसको थोड़ा सा आप लोग ऐड कर लेना वहीं पर, है ना, मेवाड़ प्रवेश पर इनको क्या लगा दी थी रोक। अब इन्होंने भूमिगत होकर के आंदोलन का क्या किया, नेतृत्व किया। उसी समय माणिक्य लाल वर्मा है इस आंदोलन से थोड़े जुड़े थे, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ी सी बात और बता दी है। अब ये भी क्या हो गया एक तरीके से, है ना, कोई कामयाब वाली बात नहीं आई। अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर, यानी कि सॉरी थोड़ा सा बिंदु नंबर अगले बिंदु की ओर चलते हैं। तो 1919 की हम यहाँ पर बात कर चुके हैं, अब 1922 की। यहाँ पर एक एजीजी आता है साथियों, एजीजी, और इस एजीजी का नाम क्या है, हॉलैंड, एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी का मतलब जानते हो, हॉलैंड यहाँ पर आता है। और इस हॉलैंड के द्वारा साथियों क्या किया जाता है, यानी कि यहाँ पर बिजोलिया के किसानों को, यानी जो 85 प्रकार के जो कर थे ना, 85 में से 35 कर क्या कर दिए जाते हैं, 84 प्रकार के लगभग थे, तो 85 में से 35 कर समाप्त कर दिए जाते हैं, 35 कर क्या कर दिए जाते हैं, समाप्त कर दिए जाते हैं, ये बात ठीक रही। अब 1922 से आगे चलते हैं साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी अब भी थोड़ी सी आने वाली है, 10 सितंबर की बात करते हैं। होता यूं है कि 10 सितंबर 1923 को, ध्यान देना, 10 सितंबर 1923 ईस्वी को बात होती है बेंगू की, कहां की, बेंगू की। वैसे तो हम पढ़ रहे हैं बिजोलिया किसान आंदोलन, लेकिन साथ साथ में हम पथिक को पढ़ रहे हैं ना, तो पथिक जी क्या करते हैं 10 सितंबर 1923 को बेंगू किसान आंदोलन, बेंगू में, सीधा याद कर लेना आप लोग, वहां पर भी किसान आंदोलन जो 1921 में शुरू हुआ था, तो ये बेंगू में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं भैया, हाँ गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, किसको, पथिक को, ध्यान रखना 10 सितंबर 1923 बेंगू में पथिक क्या कर लिए गए हैं, गिरफ्तार कर लिए गए हैं पथिक, ठीक है, ये हो गए गिरफ्तार, हो गए ना। तो अब देखिए ये तो एक प्रकार का आंदोलन और नीचे दब गया थोड़ा सा, ठीक है, तो बेंगू में पथिक जी को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ पर कहते हैं कि आंदोलन का जो नेतृत्व है ना माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा किया जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर आगे की कहानी, 1927 पथिक को क्या कर दिया जाता है, रिहा, मतलब इन्हें छोड़ दिया जाता है। और जैसे ही यहाँ पर रिहा कर दिया जाता है, तो इसी समय कहते हैं कि किसान फिर उग्र आंदोलन करते हैं, और पथिक जी के कहने पर किसान यहाँ पर भूमि को त्याग देते हैं, किसान यहाँ पर क्या कर देते हैं, भूमि का त्याग कर देते हैं, भूमि का त्याग, मतलब किसान क्या हो गए, भूमिहीन हो गए, भूमिहीन। और यहाँ पर अब अनबन भी हो गई, किसकी, अन्य नेताओं के साथ किसकी अनबन हो गई साथियों, यानी पथिक जी की। तो पथिक जी 1900 साथियों बात कर रहे हैं किसकी,
27 की, ठीक है, 1927 पथिक आंदोलन से पूर्णतः अलग हो गए। अब पथिक जी जब आंदोलन से अलग हो गए तो अब तक हम पथिक जी को पढ़ रहे हैं, अब क्यों पढ़ें तो याद कर लेना, यहीं पर बता देता हूं, मृत्यु इनकी हो जाती है 1954 ईस्वी में, जो हम यहां पर पहले लिख चुके हैं, ठीक है। तो देख लीजिए 27 अप्रैल, मैं थोड़ी सी कहानी को दोबारा बताता हूं तो समझ में आएगी। 1919 बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, 3 सदस्य, एक तो बिंदुलाल भट्टाचार्य है, ये खुद जज होते हैं, जज, ठीक है, और ये है अमर सिंह राणावत, अफजल अली, और मैंने ये तीनों बता दिए, तिलक मराठा ना, तिलक का पत्रिका समाचार पत्र है मराठा, इसमें भी इन्होंने क्या किया, समर्थन, प्रयाग से बुद्ध निकलता है भी समर्थन, कलकत्ता से कौन, भारत मित्र न्यूज पेपर निकलता है, इसने भी समर्थन किया था। और फिर हमने बात की थी 1922 में एजीजी लोग हॉलैंड यहाँ पर आए, 84 में से 35 प्रकार के कर समाप्त कर दिए गए। 10 सितंबर 1923 को बेंगू में गिरफ्तार कर लिया जाता है, किसको, पथिक को, नेतृत्व एम एल वर्मा करते हैं। और यहाँ पर 27 अप्रैल 1927 को पथिक जी यहाँ से रिहा हो जाते हैं, और यहाँ पर साथियों किसान है ना भूमि त्याग कर देते हैं दोबारा, तो भूमि त्याग करने की वजह से किसान भूमिहीन हो जाते हैं, और यहाँ से पथिक जी 1927 में पथिक जी आंदोलन से पूर्णतः अलग हो जाते हैं, और पथिक जी की मृत्यु 1954 में होती है। लेकिन बिजोलिया किसान आंदोलन अब भी बना हुआ है, यानी बात पथिक जी की पूरी हुई है, साथ साथ में आंदोलन भी चल रहा है। देखिए इस प्रकार का अध्ययन आप लोगों को करना होता है और बहुत ही सरल सा ही रहता है। बिजोलिया किसान आंदोलन में अब कोई ज्यादा दम नहीं रहा है, पथिक जी यहाँ से अलग हो गए हैं, लेकिन अब इनके अलग होने के बाद यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे हैं, बात कब की थी, 1927 पथिक अलग, ठीक है, इनकी मृत्यु भी हमने वहां पर करवा दी है। अब देखिए यहाँ पर आंदोलन का जो नेतृत्व है वो कौन करते हैं, है ना, तो उसमें एक तो आप लोग याद कर लेना, जमुना लाल बजाज, एक आपका एम एल वर्मा, माणिकलाल वर्मा आपके हो गए, और एक है हरी भाऊ उपाध्याय, ठीक है, इनके द्वारा आंदोलन का क्या किया जाता है, नेतृत्व किया जाता है। अब आंदोलन अपने अंतिम कड़ी पर पहुंच गया है 1941 ईस्वी में, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1941 ईस्वी में मेवाड़ प्रधानमंत्री टीवी राघवाचार्य के प्रयासों से के द्वारा, ऐसे लिख लो, यानी कि 1941 मेवाड़ प्रधानमंत्री टीवी राघवाचार्य द्वारा राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता, एक मंगल सिंह मेहता है ना, वो तो मिलाया था आपको याद होगा पथिक को साधु सीताराम दास से, और ये है मोहन सिंह मेहता कौन है, राजस्व मंत्री वह है। इधर आंदोलन का नेतृत्व करने वाला बंदा कौन है, एम एल वर्मा के साथ समझौता, और आंदोलन क्या हो गया समाप्त, यानी भारत का सबसे बड़ा लंबा आंदोलन 1918 शुरू हुआ था, कब अपन चर्चा कर लेते हैं, 1897 से लेकर 1941, और कितने वर्ष, 44 वर्ष है, बात हमने कर ली है, दीजिए 1941 मेवाड़ प्रधानमंत्री टीवी राघवाचार्य के द्वारा, इनके प्रयासों के द्वारा राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता वह एम एल वर्मा के साथ क्या हो जाता है, समझौता हो जाता है, और आंदोलन को क्या कर दिया जाता है साथियों, समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन एक बात नहीं भूलना, अगर आप लोगों से ये पूछे जाए कि बिजोलिया किसान आंदोलन की बात हम लोग कर रहे हैं, किसकी, बिजोलिया किसान आंदोलन की, किसान आंदोलन का,
अतुल्य, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अतुल्य एवं सर्वश्रेष्ठ, अतुल्य एवं सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ संदेश वाहक, संदेश वाहक यानी एक व्यक्ति का नाम लिखना है वो है तुलसा भील, तुलसा भील बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये संदेश को इतनी तेज गति से पहुंचाता था, कितनी तेज गति से कि ये है ना 24 घंटे में 70 मील दौड़ता था, 24 घंटे में 70 मील की दूरी तय करता था, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रख लेना। तो ये था साथियों बिजोलिया किसान आंदोलन, ध्यान रहे केवल बिजोलिया किसान आंदोलन पूरा नहीं हुआ है, साथ साथ में विजय सिंह पथिक के बारे में विस्तार से चर्चा हमने कर ली है। तो 1927 पथिक जी अलग होते ही नेतृत्व किसने किया, जन्नालाल बजाज ने किया, साथ में कौन है एमएल वर्मा है, हरिबाबू उपाध्याय है, और इधर कौन है 1927 में मेवाड़ प्रधानमंत्री टीवी राघवाचारी के द्वारा, इनके प्रयासों के द्वारा राष्ट्र मंत्री मोहनसिंह मेहता वह एमएल वर्मा के साथ समझौता हो जाता है, आंदोलन समाप्त हो गया। 1941 में बिजोलिया किसान आंदोलन का तुल्य व सर्वश्रेष्ठ संदेश वाहक याद करना तुलसा भील, 24 घंटे में कितना दौड़ता था, ये 70 मील तक संदेश पहुंचा देता था। ये था बिजोलिया किसान आंदोलन। साथियों आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी ये क्लास, और अगली क्लासें और मैं जल्दी करने की कोशिश करूंगा साथियों। तो अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम, जय हिंद की सेना साथियों, जय हिंद, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए खुश रहिए, जय हिंद जय भारत।